वालेकुम सलाम। रुको ज़ोए, मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, उसका सच सच जवाब दोगे मुझे? पूछे। तुम क्या उजाला से छिप छिप कर मिलते हो? ये आपसे किसने कहा है? किरण गई थी जरबाब के ऑफिस माफी मांगने का झूठा ड्रामा करने, उसने बताया। तो क्या कहा भाई ने? और वैसे भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, उनसे गलती हो गई है, भाई को माफ कर देना चाहिए। भाभी तो वैसे ही माँ बनने वाली है ना। अच्छा, तो तुम ये बात इसलिए कह रहे हो ताकि तुम और उजाला? गॉड से कमी, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा फिलहाल। फिलहाल यानी कि आगे जाके इरादा हो सकता है, यही मतलब है ना तुम्हारा? तुम ऐसी लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जिसके खानदान ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया हो? वो लोग धोखेबाज हैं। आखिर उजाला में ऐसी कौन सी बात है? अम्मी, आप किसकी बात पे एतबार कर रही हैं? भाभी की। उन्होंने आज तक कभी सच बोला है? हमेशा तो झूठ बोलती हैं वो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे एतबार कर लेती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ठीक, ऐसी कोई बात। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकेगी। कल को खानदान वालों को और मम्मी मेरे ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। और ऐसे मामलात में लोग लड़के वालों को ही ब्लेम करते हैं। किरण इतनी अजीब अजीब बातें करेगी, कैसे कैसे इल्जाम लगाएगी हम पर, हम तो किसी को फेस ही नहीं कर सकेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ, किरण को भी और आप सबको भी। बस बेटा, इससे पहले कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, हमारी बदनामी हो, किरण को माफ करके उसे वापस घर ले आओ। फैसला तो नहीं बदलेगा बाबा, वैसे भी जिंदगी अजाब में गुजारने से बेहतर है कि इंसान दो टूक फैसला कर ही ले। अच्छा है, महारानी जी का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। उसका दिमाग तो ठिकाने पे आ जाएगा, हमारी तो जग हसाई होगी ना। जग हसाई हो या कुछ भी, उसका गुनाह मुआफ करने लायक नहीं है। शरीफ घरानों में तलाक के बारे में सोचा भी नहीं जाता, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तो फिर भी समझ जाएगा, लेकिन वो लड़की किसी भी हाल में सुधरने वाली नहीं है। मैंने तो फैसला कर लिया है कि अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं उसका पोषण ही अलग कर दूंगी। अपना खाए अपना पकाए, अपने शौहर और अपने बच्चे से सरोकार रखे, मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं देखनी।